हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ग्रेवी वाली भिंडी या मसाला भिंडी की शानदार रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए अब बिना कोई देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मसाला भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 250 ग्राम भिंडी, जिसको कि मैंने घंटे भर पहले धोकर रख लिया था। अब ये पहले से ड्राई हो गई है, इसका पानी बिल्कुल सूख गया है। अब मैंने यहाँ पर बिल्कुल छोटी साइज़ की भिंडी ली है। सबसे पहले हमें भिंडी के आगे पीछे के पॉइंट्स को इस तरह से काट लेना है, उसके बाद चाकू की हेल्प से इस तरह से बीच में से कट लगाना है। इससे हमें दो फायदे होंगे, एक तो बारिश का टाइम है, अभी कीड़े होंगे तो वो भी हमें दिख जाएंगे, उसके अलावा इसके अंदर मसाला भी बहुत अच्छे से फिल हो जाएगा। अगर आपकी भिंडी बड़ी साइज़ की है, सारी भिंडी बड़ी साइज़ की ली है आपने, तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से आगे पीछे के पॉइंट्स को काट लें, उसके बाद इस तरह से चाकू की हेल्प से बीच में से कट लगाएं, उसके बाद बिल्कुल सेंटर से इसे इक्वली कट कर लें। ये देखिए, मैंने सारी भिंडी को आगे पीछे से पॉइंट्स को काट कर बीच में से कट लगा कर रख लिया है। और ग्रेवी के लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक बड़ी साइज़ का प्याज, 7-8 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च और एक छोटी साइज़ का टमाटर। आपको यहाँ टमाटर एक ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को भी बिल्कुल बारीक बारीक कट करके रख लिया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे चॉप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कटोरी ली है, उसके अंदर लेंगे 2 चम्मच दही। ये दही ना ही ज़्यादा खट्टा है ना ही बिल्कुल फ्रेश, ये दही कल परसों का जमाया हुआ है और 2 चम्मच हमें दही लेना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। 2 चम्मच से ज़्यादा दही आपको नहीं लेना है, वरना आपकी ग्रेवी जो है वो खट्टी हो जाएगी। और इस तरह से विस्कर की हेल्प से आपको अच्छे से दही को मिक्स कर लेना है। आप ये काम चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन चम्मच में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और इससे बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा दही। ये देखिए, अब मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। जैसे हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी, हम उसके अंदर डालेंगे 3 बड़ी चम्मच तेल। ये लगभग छोटी 5 से 6 चम्मच तेल है, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जियों में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही लगता है। ये देखिए, जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर डाल देंगे ये कटी हुई भिंडी और इस भिंडी को अच्छे से मिक्स करते हुए, हिलाते हुए, गैस का फ्लेम मीडियम करते हुए हमें तब तक पकाना है जब तक ये हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए, या फिर जब तक ये 70 से 80% तक कुक ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। ये देखिए, 5-7 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाया है और ये भिंडी जो है पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो गई है और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। अब हम इसे वापस दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें भिंडी को दूसरी प्लेट के अंदर निकाल लेना है। ये देखिए, हमारी भिंडी जो है कितने अच्छे से फ्राई हुई है। हमें इस टाइम पर भिंडी को कुरकुरा नहीं करना है, सिर्फ इसे सॉफ्ट होने तक पकाना है। अब हम सेम कढ़ाई में, मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ नहीं किया था, सेम कढ़ाई में हमें 1 चम्मच जीरा डाल देना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये बारीक कटे हुए प्याज। आप चाहें तो प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सबको बारीक कट करके लिया है। लगभग 2 से 3 मिनट तक हम प्याज को थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए, जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाए, आप एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन। आप यहाँ पर अदरक भी डाल सकते हैं ग्रेट करके, लेकिन मेरे पास नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ। बाकी ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, 4-5 मिनट हो चुके हैं, हमारी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। बस अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये बेसिक मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पर हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि जैसे ही हम मिर्ची डालते हैं, अगर आप गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखते हैं तो आपकी मिर्ची जो है वो जल जाएगी और आपकी सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपकी ग्रेवी बिगड़ जाएगी। इस टाइम पर आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें जब आप मिर्ची डालें। अब
मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं ये टमाटर। आप यहाँ पर टमाटर की प्योरी बनाकर भी डाल सकते हैं। अब टमाटर डालते ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये एक चम्मच नमक। या तो आप टमाटर की प्योरी बनाकर डालें इस टाइम, या फिर बिल्कुल बारीक बारीक कट करके उसके बाद टमाटर ऐड करें इसके अंदर। अब हम ढक्कन लगाकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे लो फ्लेम पर या फिर लो टू मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए हमारे टमाटर जो है हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे पकाया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि हमारे मसाले भी ना जले और हमारे टमाटर प्याज सब कुछ बहुत अच्छे से पक जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा पानी और हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा सा पानी और कम लग रहा है। ये देखिए मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसका ढक्कन लगाकर फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, या फिर जब तक इसे ऑयल सेपरेट ना होने लगे तब तक। ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है मसाले से सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब यह है कि हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे से भुन चुका है। एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ये दही। दही को फिर से हम एक बार मिक्स करके डालेंगे। हमने इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर ऐड किया हुआ है। अब हम दोबारा से इसमें और कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे। जब आप दही ऐड करें तब भी आपको गैस का फ्लेम हमेशा लो ही रखना होता है। और उसी दही की कटोरी में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, इससे कि हमारा सारा दही जो है ग्रेवी के अंदर चला जाए। फिर से हमें मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर से हम इसका ढक्कन लगाकर तब तक पकाना है जब तक कि मसाले से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। हमें सारी चीज़ों को वापस ढक्कन लगाकर अच्छे से पकाना होता है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना होने लगे, तभी आपकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मसाला जितना अच्छा पकता है उतनी टेस्टी आपकी सब्ज़ी बनती है। ये देखिए दही से बहुत अच्छे से मसाले से ऑयल सेपरेट होने लगा है। इसका मतलब हमारा दही बहुत अच्छे से पक चुका है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। फिर से अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। आप यह पानी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप जितनी आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर 250 ग्राम भिंडी में हाईएस्ट 1 गिलास पानी ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम इसका ढक्कन लगाकर लगभग 5 मिनट के लिए इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी ग्रेवी जो है पहले से थोड़ी गाढ़ी हो गई है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये फ्राई की हुई भिंडी, जिसको कि हमने लगभग 70 से 80% तक पहले से ही कुक करके रखा हुआ है। अब इस भिंडी को ग्रेवी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि हमारी भिंडी अच्छे से पक ना जाए या फिर अच्छे से सेट ना हो जाए। ये देखिए लगभग 5 से 10 मिनट हो चुके हैं हमारी भिंडी को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए। आप देख सकते हैं कि हमारी भिंडी की ग्रेवी जो है वो काफ़ी थिक हो गई है। अब इससे ज़्यादा हम ग्रेवी को थिक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फाइनली ये बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। मैंने यहाँ पर इस भिंडी की सब्जी को मसाला भिंडी वाला टेक्सचर दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रेवी को इतना थिक किया है। अगर आप ग्रेवी वाली भिंडी बनाना चाहते हैं तो आप ग्रेवी को थोड़ा लिक्विड कंसिस्टेंसी में ही रखें और प्याज टमाटर को चॉप करके या फिर उसका पेस्ट बनाकर डालें तो आपकी बहुत ही शानदार ग्रेवी वाली भिंडी बनकर रेडी होगी। मैंने यहाँ पर मसाला भिंडी के रूप में इसे बनाया है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपकी डिलीशियस सी मसाला भिंडी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। आपको मेरी पिछली रेसिपीज़ की लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।